नमस्कार। भारत की राज्य व्यवस्था वीडियो सीरीज में आपका एक बार स्वागत है। इस सीरीज के आज 8वें वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो मित्रों, इससे पूर्व हम लोगों ने 7 वीडियो भारत की राज्य व्यवस्था के अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देखने में। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो है, जिसे मॉरले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, ये परिषदों और उनके कार्य क्षेत्रों का अधिक विस्तार किया गया था। इसके अंतर्गत उन्हें प्रतिनिधित्व को प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए थे। अब बात आती है, इसे मॉरले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मॉरले और भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इस वजह से इसे मॉरले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। चलो देखते हैं इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। सबसे पहला इसमें जो है, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई। तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था तो पूर्व में थी ही। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई और प्रांतीय विधान परिषद में अलग अलग प्रांतों की सदस्यों की संख्या अलग अलग थी। फिर दूसरा जो अगला महत्वपूर्ण इसमें क्या बदलाव किया गया, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले इस प्रकार से प्रथम भारतीय जो विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। विधान परिषद के सदस्यों को अंतिम रूप से बजट स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने और प्रस्ताव पारित करने के अधिकार भी प्रदान किए गए थे। और इसके तहत पहली बार जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान पहली बार किया गया था। तो पृथक निर्वाचन के आधार पर उन्होंने पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था, यानी मुस्लिमों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर इस प्रकार से अलग प्रतिनिधित्व प्रदान करने की वजह से गांधी जी ने इस एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा था। तो ये थे 1909 के भारत परिषद अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, जो अभी आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं।